अचानक प्रोग्राम बना है उरमाड़ा जाकर जो है हम लोग रात स्टे करेंगे, बोटिंग करेंगे, कश्ती में जाएंगे, अली मोहम्मद के बाद हम लोग यहाँ नाश्ता करेंगे हम लोग ये सरावान रेस्टोरेंट पे, और जो है इसके बाद हम आगे का सफर जारी रखेंगे। तो ये अचानक प्रोग्राम बना है, अली मोहम्मद हाथ दिला दो। तो बाद अली मोहम्मद का नाश्ता देखें, चाय, पराठे, अंडे, छोले सब खाकर फिर आगे बढ़ेंगे। शुरू से हम अपडेट नहीं कर पाए आपको, तो बस आप देखना, पूरी वीडियो देखना और उसको चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आगे का सफ़र हम आपको बता सकते हैं। हाँ भाई, नाश्ते से फारिग हो गए है ना। तो भाई अभी जो है ना हम लोग ये 100 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे, इसके बाद जो है 100 किलोमीटर आगे जाएंगे, 200 किलोमीटर होगा। सही है, इब्राहिम नाश्ता कर रहे हैं, समझे ना, सबके नाश्ते हो चुके हैं। क्या खाया तुमने? तो भाई अभी हम लोग निकलेंगे, आगे का सफर देखेंगे कैसा रहता है प्रोग्राम, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, विंदर आ चुके हैं हम लोग, अच्छा सफ़र रह रहा है सारा माशाल्लाह से। और विंदर शहर में आपको दिखाता हूँ, बहुत ही छोटा सा शहर है, यहाँ से कुछ सामान लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे और फिर देखते हैं आगे की जर्नी। पहले भी आ चुके हैं, अब तो बहुत रश हो गया है। मैं सब आगे का रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा जाते हुए। तो ये है सफ़र हमारा, बहुत ही अच्छा व्लॉग बनेगा, बहुत अच्छा वीडियो बनेगी, देखिएगा ज़रूर, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई, और शेयर भी करें, कमेंट्स करें। क्या कह रही हो? जबरदस्त है ना। ये आ गए भाई हम 0 पॉइंट पर, और जो है अब यहाँ से हमारा रास्ता कुंड मलिर की तरफ, नानी माँ का मंदिर, ये कोई एक फैमिली ये भी जा रही है, समझे, तो इस तरफ जो है अब हम जा रहे हैं। हाँ भाई, यानी ये चुंगी नाका, इसके बाद तो बस क्लियर है, इसके बाद क्लियर है। तो भाई चुंगी नाका ले रहे हैं, चुंगी नाके के बाद 30 रुपए की पर्ची कट रही है, 30 रुपए की पर्ची के बाद जो है अब हमारा सफर आगे शुरू हो रहा है, समझे। अब यहाँ से मैं दिखाऊंगा आपको, ये एंगोल का बोर्ड लगा हुआ है, आगे दिखाते हैं उरमाड़ा कितना है, ये दिखाता हूँ, ये है कुंडमलीर उरमाड़ा पसनी गवादर N10, ये जो है N10 है। अब इससे हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है जनाब, ये आगे गए, अब ये रास्ते से हम आगे जा रहे हैं, बहुत खूबसूरत रास्ता है ये भी माशाल्लाह से। हमने आगे कुंडमली से पहले था वो चौकी थी एक, वहाँ से पेट्रोल डलवाया था वापसी में, और रेत का तूफान आ गया था। उमर आगे जा रहे हैं, ये देखो उमर आगे जा रहे हैं। भाई बलूचिस्तान में खूबसूरती बहुत है, वाकई बहुत खूबसूरत है। नामो तो ये शायद की जमीन के पास भी एक जगह निकल जाना। अच्छा, अभी रोड पे ही है नाम यार। अनिल भाई, आपने तो हमें पूरी स्टोरी बता दी, फिर अब तो हम अपनी फैमिली को लेकर आएंगे इंशाल्लाह। ये तो बहुत खूबसूरत है। हाँ विश्वा, अगर तुम मेरा व्लॉग देखो तो बेटा जरूर देखना, इसमें बहुत ही खूबसूरत और मालूमात है। और फिर जो है हम प्रोग्राम अनीप भाई के साथ बना रहे हैं इंशाल्लाह ताला, तो वो भी है पीर भंबोर ले जाएंगे। पीर भंबोर का प्रोग्राम डन हो गया है, वो जगह आप लोगों ने देखी नहीं है, वहीं खाने वाने बनेंगे, वहीं रहेंगे, वहीं घूम फिर के वहीं से आएंगे। अच्छा भाई, सारे फैमिली वाले सुन लो, अपनी पिकनिक यहाँ पर डिसाइड हो गई है, अनीप भाई ने पीर भंबोर जो है जगह पॉइंट निकाल लिया है, अब नेक्स्ट अपनी फैमिली पिकनिक पीर भंबोर में होगी, खाना वाना सब वहीं पकेगा, सब चीजें वहीं होंगी, बारबेक्यू वगैरह, और वहाँ के मनाजिर देखेंगे, एंजॉय करेंगे, और हम लोग जो है इसको जल्दी फाइनल करते हैं। तो तमाम फैमिली वालों के लिए गुड न्यूज, आपका प्रोग्राम बन चुका है पिकनिक का, बस बकरीद के बाद इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर हर चीज मौजूद है, सिर्फ इस पर तवज्जो देनी है, इसके फायदे उठाने हैं, हमारे पास हर चीज़ अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह हमारे मुल्क को कायम रखे, सलामत रखे,
अच्छे हाथों में आ जाए, उसकी तरक्की हो जाए, ये है। अल्लाह ताला ने माला माल किया हमारे पाकिस्तान को हर नेमत और दौलत से। ये देखें भाई कुदरत के नज़ारे माशाल्लाह, पहाड़ों को देखें, पहाड़ की चट्टाने, रेगिस्तान, सब चीजें माशाल्लाह से। ये जैसे कोई पेंट किया है किसी ने, किसी तस्वीर बना दी है किसी आर्टिस्ट ने, सिंधी, ये देखें कितना खूबसूरत नजारा है माशाल्लाह से। आगे आप देखें ब्यूटीफुल यार, किससे चल रहे हैं भाई, हम सुन रहे सारी बातें। अनिल भाई से बहुत काम की मालूमात मिली है, वेरी गुड यार। क्या खाता है, ऊंट के लिए कौन सा पौधा इस्तेमाल होता है, यहाँ की लाइफ स्टाइल सारा अनिल भाई ने डिस्कस किया है, लोग क्या खाते हैं, सड़क भी बहुत अच्छी बनी है, जो बन रहा है ना चाइना के लिए, अब ये प्रोग्राम कुछ चेंज हो रहा है इन लोगों का भाई, गाड़ियों से कुछ शिफ्ट हो रहे हैं और ये इसको एंजॉय करेंगे। मैं भी नीचे उतरता हूँ, देखता हूँ भाई मजे कर रहे हैं। अरे वाह भाई वाह, ये देखो भाई जबरदस्त है? नहीं 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 बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा मुझे, स्पीड का फील नहीं हो रहा। देखना बेटा गाड़ी आ रही है, हसन देखो हसन, हसन गाड़ी बहुत स्पीड से आ रही है। हाँ ये सी पैक तैयार हो गया है, पहाड़ वहाड़ है भाई। उमेर यार कुछ बताओ यार, ट्रिप कैसा चल रहा है? ट्रिप जो है ना वो बहुत जबरदस्त चल रहा है और वो और मजेदार होगा। अभी खवातीन की और लड़कियों की ख्वाहिश ये थी कि लोग पीछे जाके बैठे और शोर मचाए, शोर मचाए, तो हम रुक गए। मैंने कहा आप बैठो ऊपर, सही है। अब ये जो ना ये शोर मचाने की तैयारी हो रही है और ये सारे बैठ गए, मैं करीब जाके दिखाता हूँ आपको। ये प्रोग्राम था सिल्लों का, ये देखो ये देखो ये है असल प्रोग्राम। तनाव ये हो गया आज का ट्रिप हमारा नानी माँ का मंदिर, और बेहतरीन तरीके से सफर आगे बढ़ रहा है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत मज़ा आ रहा है। माता सालिन वाला ने खाएंगे और रोटियाँ हम यहीं से ले रहे हैं, रोटियाँ लेकर आगे बढ़ेंगे नानी माँ के मंदिर जाकर, वहाँ की सकाफत भी आपको बताएंगे कि क्या होता है वहाँ पे, कैसा था ये सब। होटल कब शुरू करते हो? नहीं नहीं सुबह में कितने बजे लगाते हो? 8 बजे। तो रात को कितने बजे तक? 24 घंटे। हाँ तो पालारियों का असल काम क्या है पता है तुम्हें? क्या है बताए बताए, शर्माता है क्या बता? नहीं मुझे तो पता है। असल काम है मेहनत करना, ईमानदारी करना, काम करना, रोजगार अपना इज्जत से कमाना, है ना? अच्छा ये आ गया हिंगलाज माता मंदिर, तो नानी माँ का मंदिर, नानी माँ का मंदिर इसके एंट्रेंस पे हम आ गए। बाबा श्री हिंगलाज तीर्थ यात्रा, ये इसके बोर्ड पे लिखा हुआ है। जाम कमाल खान आलियानी वज़ीर आला बलोचिस्तान, जाम कमाल ने इफ्तिताह किया है। हम एंट्रेंस पे आ चुके हैं, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, आपको मंदिर दिखाएंगे, मंदिर दिखाएंगे और सारा बताएंगे। अच्छा यहाँ हिदायत लिखी हुई है, हिंदुओं का तारीखी मंदिर हिंगोल नेशनल पार्क का एक मुनफरिद तारीखी असासा जिसमें हजारों हिंदू यात्रा के लिए आते हैं। हिंगलाज मंदिर के गर्द नवा को साफ सुथरा रखकर हिंगलाज माता से मोहब्बत का सबूत है। वेरी गुड, वाह भाई वाह, ये देखो पहाड़ जबरदस्त।
जबरदस्त। आगे जा रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, कह रहे हैं रात को खाना वाना खा के जाना। ये 3 दिन के लिए आए अपने कराची रंग चलेन पे। हाँ 3 दिन के लिए आए नानी माँ के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये भी इनका थे। इनकी जय है। कौन है? मेहंदी माता। कौन सी माता? जय मेहंदी माता। जय मेहंदी माता। मंदिर की तरफ जा रहे हैं, सीढ़ियां तो आ गई हैं स्टेप। पर एक बात है, जहाँ भी मैंने देखे मंदिर, जैसे हम गए थे मलेशिया बतू केव पे, तो वहाँ भी स्टेप थे काफ़ी काफ़ी सारे स्टेप के बाद ऊपर जो है वो थी माता। और यहाँ पे भी जो है इनकी तारीख है, ये दरख्तों पे लोग अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए कुछ झूले और कुछ बना कर इस तरह से जाते हैं। करीब से भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये है यहाँ पे लोग अपनी आंखें मन्नतें मुरादें पूरी करने के लिए कुछ मानते होंगे, तो इस दरख्त की भी कोई स्टोरी होगी। तो लोगों के अपने अपने अकीदे हैं, उसके हिसाब से लोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये देखें, किसी ने कोई मन्नत और कुछ झूले वूले बहाने बनाए गए। ये है मोमाई जाने का रास्ता। वाह भाई, अब भाई थक चुका हूँ मैं काफ़ी। आगे गाड़ियाँ पार्क की, वहाँ से हमारे। और ये देखें गाय माता, इनके जो जो धर्म में जो जो है चीज़ें वो सब यहाँ पर आ गई हैं। मंदिर आ गए, आ गए, आ गए, करीब है। ये रहा, ये बकरियाँ हैं और गाय माता को ही पाला हुआ है। यहाँ इनका देखभाल होती है। वाह भाई, बच्चे खुश भी हो गए। एक आप रिलीजन देखते हो, उनके तमाम जो है अकीदे देखते हो, क्या बिलीव है उनका। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र कि हम मुसलमान पैदा हुए, और हमें फ़ख्र है अपने मुसलमान होने पे और नबी की उम्मती होने पर। अल्लाह का एहसान है कि उन्होंने हमें जो है नबी का उम्मती बनाया। ये देखें, ये सब चीज़ें हैं दरख्तों की पूजा। ये देखें, ये असल, मैं करीब जाके आप मंदिर आपको दिखाता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। हिंदू बिरादरी इसको फॉलो करती है, उनकी मदद करती है। ये इनका मतलब है, इस व्लॉग को हम यहाँ एंड करते हैं। आगे जो है हम फिर उरमाड़ा जाएंगे, उरमाड़ा में बीच पे आज शाम का व्लॉग अलग बनेगा।